हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एसएस मार्केट न्यूज में। जी हाँ दोस्तों, यस बैंक के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और ये खुशखबरी यह है कि यस बैंक का जिस प्रकार से 5 रुपये से 90 रुपये का सफ़र तय किया है, उसके पश्चात 90 से देखें तो ये 40 और 60 70 के बीच में ट्रेड कर रहा है। कल की अगर अपन देखें यहाँ पे, अभी खुशखबरी आपको मैं बता दूंगा। यहाँ पे देखिए, यस बैंक कल भी देखिए 70 के आसपास गया और 40 के आसपास भी गया, तो 30 रुपये की रेंज ये बनाया है और 5 रुपये से इसने 90 रुपये का सफ़र तय किया है। तो वो खुशखबरी आपने देख लिया, 1800% रिटर्न इसने दिए। तो यहाँ पे यस बैंक अगर आप यहाँ देखें तो ये जो सेटल हुआ है तो अच्छे प्राइस पे सेटल हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब नहीं है कि यस बैंक में कि 90 से या गिरावट है, या कोई गिरावट नहीं है, तो प्रॉफिट बुकिंग तो होगी। तो वो लोगों ने यहाँ पे 5, 10, 20, 25 यहाँ पे खरीदे हैं, उनके 25% जो शेयर है वो तो निकालेंगे। और दूसरी बात, यहाँ पे जो यस बैंक में जिन लोगों ने ये पाबंदी यस बैंक पे हटी थी, उस समय यस बैंक 25 पे क्लोजिंग हुआ था, ठीक है, और 26 पे ओपन हुआ, उसी दिन का 25 का लो है। तो जिन लोगों ने 25 फिर 26 35 के रेंज में भी शेयर खरीदे हैं, तो यानी कि पाबू लॉक इन पीरियड के बाद में, 13 मार्च के बाद में, ठीक है, तो वो उन पे कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, उनका अच्छा मुनाफा हो रहा है तो वो सारे शेयर बेच सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा अगर यस बैंक के देखें तो इंट्राडे पे शॉर्ट सेलिंग, पावर ऑर्डर पे शॉर्ट सेलिंग बंद है, ठीक है। अब वो जो अभी जो नए शेयर खरीदे हैं जो लॉक इन पीरियड के बाद में, उन शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। दूसरी बात, जो जैसे डीमैट अकाउंट में अलग अलग ब्रोकर के अलग अलग हिसाब से धीरे धीरे भी शो हो रहे हैं, कुछ किसके जल्दी हो गए, किसी के लेट से हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे वो डीमैट अकाउंट में शेयर आ रहे हैं तो 25% लोग निकाल रहे हैं। और उसके अलावा अभी जो मधु कपूर ने जो शेयर बेचे थे, 2.5 करोड़ शेयर अचानक जो बेचे थे, उसके वजह से भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब हालांकि उनके पास बेचने को कुछ ज्यादा नहीं है, अब मात्र 1.5 करोड़ शेयर और बचे उनके पास बेचने के लिए, क्योंकि उनका भी सारा लॉक इन पीरियड में चला गया है। चलिए, तो मैं अब आपको मैं आगे की यहाँ पे जो कुछ खबरी है वो मैं बता देता हूँ यस बैंक की। यस बैंक को देखो, आरबीआई से बड़ी मदद यहाँ पे मिली है, और बहुत ही बड़ी मदद यस बैंक को यहाँ पे मिली है। क्यों मिली है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। यस बैंक को आरबीआई से जो इतनी बड़ी मदद मिली है कि 60,000 करोड़ की कर्ज की सुविधा क्यों मिली है, क्योंकि यस बैंक में आपको पता है मॉरेटोरियम लगाया गया था, उसके बाद में अचानक से यस बैंक का मॉरेटोरियम खोलना, और फिर जो यस बैंक में जो नकदी की जो समस्या जो हो जाती, क्योंकि लोगों को पता है कि अभी कोरोना वायरस भी चल रहा है। दूसरी बात, यस बैंक का जो इफेक्ट पड़ा था लोगों पर नेगेटिव, और जो डिपोजिटर जो यस बैंक में पैसा जो डाल रखे थे, ठीक है, वो पैसा निकालेंगे मॉरेटोरियम के बाद में, तो इससे कुछ यस बैंक को वापस से वो हालात जो बनाए गए थे बैंक में वो ना हो जाए, इस वजह से देख सकते हैं आरबीआई ने पहले ही सोच समझ के अच्छा फैसला यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 60,000 करोड़, माइंड ब्लोइंग और अमेजिंग पैसा ये, इसे अपन कह सकते हैं, क्योंकि देख सकते हैं सिर्फ मात्र जो बड़े निवेशक हैं एसबीआई और एलआईसी वगैरह, जो कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, आईसी, इन सब ने मात्र 12,000 करोड़ पैसा डाला था। कितना डाला था? मात्र सिर्फ 12,000 करोड़। और यस बैंक कहाँ से कहाँ चला गया था? वो चला गया था 5 से 90। अब यहाँ पे जो 60,000 करोड़ की जो सुविधा है यस बैंक में, यानी कि जो लिक्विडिटी जो है, अरे ये इनसे शेयर नहीं खरीदे जाएंगे, आपको पहले बता दूँ, इनसे वो शेयर खरीदे गए थे 12,000 करोड़ के ये। लेकिन यस बैंक का जो न्यू मजबूत कहना, जो मकान बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, वो न्यू मजबूत है, यस बैंक में पैसों की कमी नहीं होगी, ठीक है। कि लोग पैसा निकालेंगे, लोग कर्ज भी लेंगे यस बैंक से। अब यस बैंक में कोई लोन लेना चाहे तो पैसा तो है ही नहीं साहब, क्योंकि उसने डिपॉजिट निकाल लिया। तो पहले से आरबी ने 60,000 करोड़ का कर्ज सुविधा दे दी है कि 60,000 करोड़, अमेजिंग पैसा ये, ठीक है। तो देख सकते हैं, और इससे बैंक को जमाकर्ताओं के प्रति दायित्व को पूरा करने में आसानी होगी। और नीचे की खबर देख सकते हैं, आरबीआई साहब का यहाँ पे देख सकते हैं फोटो आ रही है, और यस बैंक में नकदी संकट को दूर करने के लिए आरबीआई का बड़ा कदम है। यस बैंक को उभारने के लिए एसबीआई समेत कई बैंकों ने निवेश भी किया है। उन्होंने निवेश किया है शेयर मार्केट के अनुसार निवेश किया है, उन्होंने 10 रुपये प्रति के हिसाब से उठाए हैं, और उठाए तो उनको देखो काफ़ी ज़्यादा मुनाफा, यानी कि 10 गुना मुनाफा, 90 तक पहुँच गया तो 9 गुना मुनाफा उनको हो चुका है, ठीक है, 9 गुना मुनाफा इनको हो चुका है। और उन्होंने 25% शेयर अभी नहीं निकाले या निकाले होंगे, ठीक है, तो निकाल भी सकते हैं, क्योंकि 25% तो वो भी निकाल सकते हैं। तो अभी तक यहाँ पे रिपोर्ट नहीं आई कि उन्होंने निकाले हैं किसी ने भी, अभी तक तो सिर्फ यही आई है कि मधु कपूर ने शेयर बेचे हैं, बाकी जो निवेशक हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर, उन्होंने निकाले हैं। तो देखो, इससे यस बैंक के जो सब कुछ सामान्य होगा, और देख सकते हैं जो यस बैंक का जो आरबीआई कानून 1934 की धारा 17 के तहत केंद्रीय बैंक किसी भी बैंक को शेयर कोष और प्रतिभूतियों अचल संपत्ति को छोड़कर गिरवी रखकर कर्ज के रूप में नकदी की सुविधा उपलब्ध करा सकता है। देख सकते हैं नकदी की सुविधा उपलब्ध करा सकता है, तो इनको कराई गई है। तो यहाँ पे देखो बहुत बड़ी खबर, तो आपको मेन जो बात यह है कि इस खबर से यस बैंक में जो आगे वाला जो माहौल है, आपको मैं बता दूं, आपकी जो लॉक इन पीरियड जो शेयर में चले गए 3 साल के लिए, उसके लिए देखो आपको मैं बता दूं, अच्छा मुनाफा आप घर पे लेके जाएंगे 3 साल बाद में। और आपको यकीन हो गया होगा, यस बैंक सिर्फ 4 दिन में
चार दिन में, या अपन मैं कहूँ पूरा वर्किंग डे का अगर मैं देखूँ सिर्फ 7 दिन में 5 से 90 जा सकता है। तो अब आप देख लीजिए कि 3 साल के अंदर यस बैंक कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। ये तो आपको अंदाजा हो गया होगा इस चीज़ का कि यस बैंक 3 साल में यहाँ पे 100 के आसपास रहने वाला नहीं है। ये अपर अपसाइड में ये कहाँ तक इसका जो मूवमेंट है वो आपको मैंने बता भी दिया है। 400 जो बाउंड का पहले इसका जो हाई था वो पहले वाला उसको ब्रेक करके 700 भी ये टच कर सकता है, ठीक है। तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा। और आपको मैं बता दूँ जिन्होंने अगर 25% जो शेयर निकाले हैं या नहीं निकाले हैं तो वो भी अगर देखो अगर वेट करने के लिए 3 साल के लिए वेट करना चाहिए तो कर सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए पैसों की कुछ दिक्कत हो रही है कि हाँ हमें पैसों की जरूरत पड़ रही है और अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, 30 तक हमारा एवरेज था, 40 एवरेज था, 50 एवरेज था और वो 90 तक गया था, 87 आपने निकाला तो बहुत अच्छी बात है, 87 आपने निकाला तो अच्छी बात है, ठीक है। तो आपको देखो किसी को यस बैंक में, यानी कि अगर शेयर मार्केट की दोस्तों मैंने यस बैंक की जो रिपोर्ट जो पढ़ी है, अगर यहाँ पे देखो यस बैंक में किसी भी निवेशक को जिन्होंने अगर समझदारी दिखाई है, ठीक है, ऐसे 101 को दिक्कत हो सकता है किसी को, ठीक है 10% हो सकता है, लेकिन किसी भी निवेशक को यस बैंक ने घाटा नहीं दिया। जिन्होंने 150 से खरीदा उनको भी घाटा नहीं हुआ, क्योंकि यस बैंक ने अपनी रेंज इस अनुसार बना ली है कि लोगों ने 150 से खरीदा तो लोगों ने नीचे बहुत माल उठाया है, 5, 10, 15, 20, 25 एवरेज तो 50 ही आ गया था, यस बैंक 87 पहुंच चुका है। यानी कि सारे जो रिटेल इन्वेस्टर है सभी की जो धज्जियां उड़ चुकी थी, इनके डर के मारे यस बैंक डूब जाएगा, देखो उन्होंने यस बैंक की नया पार लगा दी, उनकी नया पार लगी और यस बैंक देखो उनको जो प्रॉफिट में है 75% तो बहुत आगे माला माल होंगे, वो तो आगे जानेगी, समय जो परिवर्तन होगा किस अनुसार होगा बहुत आगे की बात है, लेकिन अभी जो 25% शेयर निकाले सभी ने लगभग प्रॉफिट में निकाले हैं, ठीक है। यानी कि और बाकी अगर मैं वो बड़ी दिग्गज कंपनी की बात करूं तो किसी ने भी अभी तक कहे ना कि जो पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिए हैं, जब इंडस्ट्री बैंक देख सकते हैं 2500 से 300 आ गया है उसने उछाल भी नहीं मारा है, ठीक है। और रिलायंस देख सकते हैं 1800 से 900 आ गया है तो उछाल नहीं मारा, 100-200 उछाल मारता है वापस गिर जाता है। HDFC बैंक देख सकते हैं 1600 से देख सकते हैं 900 का उसने लेवल छुआ है, ज़्यादा उछाल नहीं मारा तो रिटर्न नहीं दिया। अब यस बैंक नीचे गिरा तो उसने इतनी दमदार से 1800% ऊपर उठाया मार्केट को, कितना परसेंट उठाया 1800%, तो ये माइंड ब्लोइंग है। चलिए मैं आपको फटाफट अब ले चलता हूँ आपको यस बैंक के चार्ट पर, ठीक है। देखो यस बैंक के चार्ट पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे यस बैंक के चार्ट में क्योंकि नए सब्सक्राइबर यहाँ पे आ जाते हैं तो बारी बारी उनको लेवल का पता नहीं होता है, पुराने वीडियो क्या पता वो देखे नहीं, देखिए नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है क्योंकि चैनल सब्सक्राइबर नहीं है अभी किया, तो वो उनके पास अब जैसे ही नोटिफिकेशन पहुंचेगा वो उनको पता चलेगा यस बैंक के क्या टारगेट है। तो पिछली हिस्ट्री पहले आप जो नए सब्सक्राइबर जुड़े पिछली हिस्ट्री जान लीजिए एसएस मार्केट न्यूज़ की किस प्रकार की रही है, उसके बाद में आगे का ऑब्जर्वेशन यहाँ पे चलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैं आपको टेक्निकल चार्ट के माध्यम से ऐसे पॉइंटर वगैरह ऐसे लगा के कुछ नहीं बताऊंगा, गुमराह करने की मेरी आदत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे देखो यहाँ पे जो सेकंडों का दोस्तों टेक्निकल चार्ट जो पकड़ में आता है वो काफी मेहनत के बाद पकड़ में आता है, 10 सालों की मेहनत के बाद में मैंने जो सीखा है आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। अब यहां पे जो मैं लाइव कॉल देता हूं देख सकते हैं सेकंडों के अंदर ही आपको मुनाफा कितना बड़ा आपको जो कमाते हो सिर्फ सेकंडों के अंदर कॉल पकड़नी पड़ती है। तो यहां पे यस बैंक के लेवल मैंने ऑब्जर्वेशन पहले से कर रखे हैं, आपको पता है यस बैंक आपने आंखों में यानी कि कहना जो एनालिसिस कर रखी है वो पूरा फेड है, तो आपको मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूं 48 यस बैंक ब्रेक करता है तो यस बैंक अपसाइड की दिशा दिखाएगा, वो 52 के लेवल यस बैंक यहाँ पे दिखाने वाला पहला टारगेट। उसके बाद में 52 के ऊपर इसको सस्टेन होना होगा, या मैं आपको कहूँ कि आप अगर अच्छा अगर आपके लिए रहें तो 52 और 53 के रेंज को आप छोड़ सकते हैं। 53 को अगर ब्रेक करता है यस बैंक, जो कल मैंने बताया था 52 के ऊपर सस्टेन, लेकिन आज फिर से बता रहा हूँ मैं 53 अगर ब्रेक करता है यस बैंक उसके बाद में 59, ठीक है 59 की रेंज होगी और 59 फिर 60 के 1 रुपये आपको छोड़ना होगा, 60 ब्रेक करता है यस बैंक आपको फिर 70 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और वहाँ से देखो ये कहना कि सांप को छेड़ना बहुत हानिकारक हो सकता है, वहाँ इसको छेड़ना कि इसको आगे ऊपर जाना है नहीं जाना वो बाद में ये पलटवार भी कर सकता है, जैसे कल इसने पलटवार किया 467 चला गया, लोगों ने इसको छेड़ा होगा, छेड़ा सांप को छेड़ा वापस पलटवार किया 40 तक भी आ गया, ठीक है। तो ये यस बैंक की एक कहना कि लपेटे में लेने वाली है, सांप को छेड़ा तो उसने पलटी करके वापस खाने वाली आदत भी है, ठीक है। क्योंकि वो पता चल जाता कि कौन से यहाँ पे यस बैंक में कौन उंगली कर रहे हैं, खरीदार की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो वो रिटेल इन्वेस्टर उंगली करेंगे तो बड़े इन्वेस्टर क्या करेंगे, उनको पता है इनके पास इतना दम तो है नहीं, अब उठा लेंगे, ठीक है, उठा नहीं पाएंगे तो उसको गिरा देते हैं। तो बिग इन्वेस्टर जब इसको उठाएंगे उसके साथ जो चार्ट बोलेगा तो आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे उठा रहे हैं, आपको 90 के टारगेट दिए तो आपको 90 का टारगेट 87 का मिला नहीं मिला, जब यस बैंक ओनली 16 पे था 16 पे था तो आपको मैंने बोला 27 का टारगेट जाएगा, यस बैंक दूसरे दिन आपको 25 का टारगेट दिखाया, जो 25 पे था यस बैंक मैंने कहा था यस बैंक की रेंज होगी 48 की, तो दूसरे दिन आपको देख सकते हैं उसी दिन जो दूसरे दिन यानी कि यस बैंक ने आपको 40 को प्लस किया, फिर यस बैंक 40 प्लस मैंने कहा था यस बैंक 70 के रेंज होगी, यस बैंक ने आपको 65 के टारगेट दिखाए, ठीक है। जब यस बैंक 59 था आपका 90 की रेंज होगी, 90 तक टारगेट जाने वाला है, यस बैंक ने 87 दिखाया। अब 2 दिन से मैंने आपको क्या बताया, यस बैंक की रेंज बता रखी है अपसाइड डाउनसाइड दोनों तरफ यस बैंक खेलेगा बता रखी है, और दोनों तरफ की देख सकते हैं अपने टारगेट गजब के यहां पे टारगेट लिखे आ रहे हैं। तो इस चीज़ को दोस्तों आप एग्री कीजिए, यस बैंक का जो लगातार 4 दिन का जो टेक्निकल चार्ट है एसएस मार्केट न्यूज ने 16 से 90 रुपये के आपको टारगेट दिखाए, बाद में जो मैंने आपको कहा भी था अब 4 दिन हो गया 1800% भाग चुका है यस बैंक में, अब गेम प्लान चेंज होगा, यस बैंक दोनों तरफ भागेगा ऊपर नीचे भागेगा, दोनों तरफ के आपको टारगेट मिलेंगे, दोनों तरफ आपको टारगेट मिले नहीं मिले, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अब जो यस बैंक में जो तेजी यहाँ पे बन रही है आपको मैं ब्रेकआउट बता रहा हूँ, ठीक है। अब नीचे का बता देता हूँ आपको, यस बैंक आपको 42 बाई दफा मान लीजिए 42 को ब्रेक कर देता नीचे तो नीचे बहुत फास्ट गति से 38-35 की रेंज में आने वाला है, ठीक है। 38 आएगा, अगर वहाँ पर नहीं रुकेगा
जाएगा तो 35, लेकिन 35-38 की रेंज में बहुत बड़ा बाउंस ब्रेक है, वहां से वापस 50 की तरफ भी पलटवार करने की कोशिश करेगा। ये दोस्तों अभी लाइव का मेरा ये लाइव के पहले यूट्यूब पे मेरा ऑब्जर्वेशन है, जिसको दोस्तों आप पूरी तरह एग्री भी कर सकते हैं, अच्छा नहीं लगे दोस्तों आप इसको पूरी तरह रिजेक्ट भी कर सकते हैं, आप अपना ओपिनियन खुद बना लेंगे। एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूँ, वो डेली बताता आया हूँ, लेकिन दोस्तों मैं लाइव में जो आता हूँ ये कॉल कभी मैंने आज तक ही देख सकते हैं, ना तो व्हाट्सअप क्लाइंट उठाइए ना मैं व्हाट्सअप पे देता हूँ, व्हाट्सअप पे 9:15, 9:14, 9:16 जिस टाइम होता है उसको ऑब्जर्वेशन करके उस अनुसार मैंने यस वहाँ पे जो व्हाट्सअप पे जो टाइपिंग मैं करता हूँ व्हाट्सअप पे जो कॉल देता हूँ वही वहाँ पे दोस्तों व्हाट्सअप क्लाइंट के लिए मान्य होती है। ये कॉल व्हाट्सअप क्लाइंट के लिए मान्य है ही नहीं और वो करते भी नहीं है मेरे व्हाट्सएप क्लाइंट। और आप भी दोस्तों जो भी सदन व्हाट्सएप से जुड़ना चाहें तो आप देख सकते हैं कल भी यस बैंक में धमाकेदार और डेली लगातार देख कोरोना वायरस का कितना इफेक्ट मार्केट में पड़ रहा है, लेकिन एसएस मार्केट न्यूज दोस्तों आपको लगातार यहाँ पे गजब का यहाँ पे अमेजिंग प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों ये एनालिसिस है, इंट्राडे की बेस्ट एनालिसिस एसएस मार्केट न्यूज पे देखने को मिलती है और पैसा बनता है दोस्तों एसएस मार्केट न्यूज पे। तो दोस्तों आपको मैंने पहले कहा सिर्फ छोटी सी गाइडलाइंस है और आपको 29 डेज फ्री सेवा, ठीक है। एडमिशन के दोस्तों कोई भी एडमिशन लेते हैं तो फिलअप तो करना ही पड़ता है फॉर्म, ठीक है। आप यूनिवर्सिटी में चले जाएं तो आपको वो आप टॉपर हो लेकिन आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन का मौका मिला है तो आपको फॉर्म तो फिलअप करना होगा, उसके बाद पूरी सेवा फ्री दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा मार्केट न्यूज सिर्फ एक दिन की आपको गाइडेंस फॉलो करनी होगी और वो भी आप अपने ब्रोकर को ब्रोकरेज चार्ज जो देते हैं ट्रेडिंग का, जो डेली का आप देते हैं और डेली देते हैं तो महीने में देख सकते हैं महीने में कितना हज़ारों चार्ज आप दे देते हैं। तो आपको डेली नहीं देना, सिर्फ एक दिन ब्रोकर चार्ज से भी कम गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है, क्योंकि ग्रुप में आने के लिए दोस्तों गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी और जैसे आप गाइडलाइंस फॉलो करोगे दोस्तों आपको मैं ऐड करूंगा और दोस्तों और पूरे मंथ फ्री, यानी कि आगे के जो 29 डेज हैं वो पूरे फ्री आपके और दोस्तों आप भी पा सकते हैं बिग प्रॉफिटेबल कोर्स। और इसमें दोस्तों आपको कोई अच्छा लगे तो आप एग्री हैं कर सकते हैं और आपको अच्छा ना लगे तो आप इसको पूरी तरह रिजेक्ट भी कर सकते हैं। बाय बाय दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।